जय हिंद। नमस्कार, आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। वेलकम माय YouTube चैनल। आपका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा हम जो सीजे स्टैटिक जीके के सीरीज का चला रहे हैं, और आज फिर से आपके लिए एक और वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आपको व्याख्या सहित उत्तर बताएंगे। जो चार ऑप्शन दिए रहते हैं उससे भी आपको प्रश्न बनाएंगे, और किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी आप इसमें देख पाएंगे। आपने हमारा पिछला दो वीडियो देखा होगा जिसमें CGPSC द्वारा आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी की भर्ती की गई थी, जिसमें किस तरीके से CGPSC द्वारा प्रश्न पूछे गए हैं वो आपने देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो आप यहाँ पर आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकेंगे कि किस तरह का से प्रश्न CGPSC द्वारा पूछे जाते हैं। यहाँ आज का ये पहला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के किस दिशा में उड़ीसा राज्य स्थित है। आपने देखा होगा वैज्ञानिक भर्ती परीक्षा में पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ के किस दिशा में झारखंड स्थित है, तो उससे ही हमने ये प्रश्न बनाए हैं। और ऐसे ही आपको टॉपिकों को पकड़ना है कि किस तरीके के प्रश्न बनाए जाते हैं। और तो आप हमने यहाँ पर मैप भी ले आया है, मैप में आपको दिख रहा होगा कि उड़ीसा राज्य छत्तीसगढ़ के किस दिशा में है। एक बार अगर आप दिशा को करेंगे तो इस तरह से चार दिशाएं होती हैं, इस तरफ का ये पूर्व और ये पश्चिम और ये उत्तर, ये दक्षिण। तो छत्तीसगढ़ के किस दिशा में है उड़ीसा राज्य आपको पता चल गया होगा, यहीं से दिख रहा है मैप में। यहाँ पर ये पूर्व दिशा में है उड़ीसा। एक बार मैप को ही जूम करते हैं तभी आपको पता चल जाएगी कौन किस दिशा में है। ये पूर्व दिशा में हो गया और ये पश्चिम दिशा में। तो पश्चिम में कौन है, महाराष्ट्र है। पूर्व में कौन है, तो उड़ीसा है। और इस तरफ का एरिया है दक्षिण और इस तरफ का एरिया है उत्तर, तो उत्तर में है उत्तर प्रदेश। और इन दोनों के बीच में उत्तर पूर्व में है झारखंड, ये पूछा गया था। और इस तरह के है उत्तर पश्चिम में है मध्य प्रदेश ये, और इस तरफ है पश्चिम दक्षिण में तेलंगाना, और दक्षिण पश्चिम में है आंध्र प्रदेश। तो ये सारे जो पड़ोसी राज्य है छत्तीसगढ़ के वो हो गए। और कितने पड़ोसी राज्य है ये भी पूछे जा सकते हैं, तो झारखंड 1, उड़ीसा 2, आंध्र प्रदेश 3, तेलंगाना 4, महाराष्ट्र 5, मध्य प्रदेश 6 और उत्तर प्रदेश 7। छत्तीसगढ़ के 7 पड़ोसी राज्य हैं। तो आपने देख लिया कि कौन सा है पूरब में है, यहाँ पर हमने आपको आंसर बता दिया था और मैप को भी हमने हल करके बता दिया ताकि आप कोई प्रकार का डाउट ना रखें। इसके अलावा देख सकते हैं पूरा मैप, यहाँ पर छत्तीसगढ़ में कितने ज़िले हो चुके हैं, 33 ज़िले हो चुके हैं, और 33 ज़िले के अनुसार ये नया मैप जारी किया गया है। तो हो सकता है हमने जो व्याख्या किया वो आपको पसंद आए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर इस तरह से यहाँ पर शो हो चुका है, और इसमें भी हमने मैप को शामिल किया है क्योंकि मैप आजकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैप के अनुसार ही आप अध्ययन करते हैं तो आपको सहूलियतें होती हैं। यहाँ पर यह प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है कि भारतीय मानक समय छत्तीसगढ़ के कितने जिले से होकर गुजरती है। अगर इसे भारतीय मानक समय न लिखा जाए तो ये भी लिखा जा सकता है आईएसटी लाइन जो है छत्तीसगढ़ के कितने जिले से होकर गुजरती है, ये पूछा हुआ है। और यहाँ पर बताया गया है कर्क रेखा इस तरफ से, यहाँ पर ये कर्क रेखा का और ये आईएसटी लाइन, क्योंकि कर्क रेखा जो रहता है वो पश्चिम से पूर्व और जो आईएसटी लाइन रहता है वो दक्षिण से उत्तर की ओर खींचा जा रहता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है वो आपको यहाँ पर हम बता देते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 8, जिला 4, ऑप्शन। सबसे पहले तो ये भी आप जान लें, जो भारतीय मानक समय आईएसटी लाइन वो 0 लाइन से 5.5 घंटा प्लस चलता है, और इससे भारत का समय निर्धारित होता है आईएसटी लाइन से, जो कि 82.5 अंश पूर्वी देशांतर है। ठीक है, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर है भारत का आईएसटी लाइन। इस मैप में आप देखेंगे तो आईएसटी लाइन किसे कहते हैं, ये वाला रेखा ऊपर से नीचे जो आया हुआ है इसे ही कहते हैं। और इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, ये अगर इतना आपको रखते हैं तो आपको हो सकता है क्लियर दिख रहा होगा। ये जो नहीं दिख रहा है इतने में आपको दिखेगा, ये वाले में आप वीडियो का रेजोल्यूशन बढ़ाएंगे तो आपको क्लियर दिखेगा। ये वाला रेखा आईएसटी लाइन है और ये वाला रेखा कर्क रेखा है। जो आईएसटी लाइन है वो 82.5 अंश है, और ये छत्तीसगढ़ के यहाँ पर देख पाएंगे 8 जिले का नाम यहाँ पर दिया हुआ है। 8 जिले शामिल है जिसमें सूरजपुर, कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदा बाजार, महासमुंद, ये 8 जिले शामिल हैं। और 8 जिले से होकर गुजरती है 82.5 अंश का पूर्वी देशांतर रेखा। तो ये मैप आप भी याद रख सकते हैं, ये गरियाबंद आ चुका है इसमें आईएसटी लाइन में,
और नया जिला बना है वो भी शामिल हो गया है। और कर्क रेखा चार जिले से होकर गुजरती है जिसमें मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर ये शामिल हैं। और यहाँ पर ये जो कोरिया जिला है ये कोरिया में काटता है दोनों रेखा, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। कई बार ये जो कटिंग लाइन है ये सूरजपुर बताता है और कई बार कोरिया, तो हो सकता है ये सूरजपुर में भी आ जाए। यहाँ पर ये सूरजपुर है और एक कोरिया है, लेकिन ये अभी फिलहाल हमारे पास यही आंसर है। कहाँ पर काटती है ये क्लियर नहीं है, लेकिन चार जिले से होकर गुजरती है, आठ जिले से होकर गुजरती है, ये फाइनली आंसर हो चुका है। यहाँ पर ये देख सकते हैं हमने आपको थोड़ा सा और यहाँ पर अपडेट कर देते हैं। कर्क रेखा जो कि 23.5° उत्तरी अक्षांश है, कर्क रेखा 23.5° उत्तरी अक्षांश से कई बार ये भारत के जीएस में भी पूछ लिया जाता है और चार जिले से होकर गुजरती है। 82.5° जो कि पूर्वी देशांतर है, पूर्वी देशांतर, और आठ जिले से होकर गुजरती है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर शो हो चुका है और मैप भी हमने इसमें शामिल किए हैं कि कौन कौन सा जिला है। यहां पर है तीसरा प्रश्न कि छत्तीसगढ़ का पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ का पहला एथेनॉल प्लांट, ध्यान देंगे, हमने नहीं कहा गया है, नहीं कहा है कि गन्ना का पहला या धान का पहला या मक्का का पहला। ओवरऑल पहला जो संयंत्र स्थापित किया गया है इथेनॉल का वो है छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में, और वो भी कहाँ, तो भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना, भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना में खोला गया है भारत का, सॉरी छत्तीसगढ़ का पहला एथेनॉल पावर प्लांट, सॉरी एथेनॉल प्लांट जो कि पीपी मॉडल पर आधारित है। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखेंगे, उसके बाद हम मैप का अध्ययन करेंगे। गन्ना से एथेनॉल प्लांट भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना में खोला गया है जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा और छत्तीसगढ़ का पहला एथेनॉल प्लांट है और ये पीपी मॉडल पर आधारित है। इसके अलावा मक्का से एथेनॉल प्लांट की स्थापना कोंडागांव जिला में, धान से एथेनॉल प्लांट की स्थापना बेमेतरा और सरगुजा में स्थापित किए जाएंगे, ये प्रस्तावित है। इसके अलावा छह और धान से एथेनॉल प्लांट बनाया जाना जो है प्रस्तावित है। अब है कि जो एथेनॉल होता है वो होता क्या है, तो एथेनॉल को पेट्रोल में ज्वलनशील बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है, इसीलिए एथेनॉल को उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। अगर हम मैप में देख ले तो किस एरिया में एथेनॉल प्लांट बनाए जा रहे हैं, अभी है छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में, ये आपको मैप में दिख रहा होगा, जो कि 1998 में बना है, जहां पर है भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना, जहां पर पहला एथेनॉल प्लांट की स्थापना किया गया है और सबसे पहला सहकारी शक्कर कारखाना भी है, तो दोनों आप याद रखेंगे। उसके बाद देखेंगे तो जो प्रस्तावित है धान से एथेनॉल बनाया जाना, धान से, तो धान से कहाँ बनाया जाना है, उसके जस्ट पड़ोसी है बेमेतरा जो कि 2012 में जिला बना है। इसके अलावा सूरजपुर जो कि 1948 में जिला बना है, यहाँ भी बनाया जाना प्रस्तावित है, ठीक है। आपको हो सकता है हम जो बताएं वो आपको क्लियर दिख रहा होगा, समझ में आ गया होगा, पहला कवर्धा में, उसके बाद बेमेतरा में, धान से बेमेतरा में और कवर्धा में, यहाँ पर गन्ना, और बेमेतरा और सरगुजा में यहाँ पर धान से बनाया जाना ये प्रस्तावित है और गन्ना से बनाया जाना है। इसके अलावा जो भी पावर प्लांट, सॉरी जो भी गन्ना से एथेनॉल प्लांट स्थापित किए जाएंगे वो जांजगीर चांपा, बिलासपुर, कोरबा, दुर्ग, बालोद, रायपुर, बलौदा बाजार, यहाँ स्थापित किए जाएंगे जहाँ धान का उत्पादन ज़्यादा होता है। इसके अलावा एक और जो स्थापित किया गया है गन्ना, सॉरी मक्का से एथेनॉल प्लांट, तो मक्का से जो एथेनॉल प्लांट स्थापित किया गया है वो बस्तर जिला से अलग होकर बना है कोंडागांव जिला जो कि 2012 में बना है, यहाँ पर स्थापित किया जाना है। इस क्वेश्चन को पूछा गया है, मक्का वाला क्वेश्चन को अभी जो आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी भर्ती हुआ है उसमें पूछा गया है, तो आप इस टॉपिक को बिल्कुल ही अच्छे से पढ़ें। आपको यहाँ पर कुछ और जिले बने हैं जिसमें आपने देखा होगा, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 33 जिले हो चुके हैं, पहले 28 जिला था। 15 अगस्त 2021 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा चार नए जिले बनाने की घोषणा की गई, तो 32 जिले हो गए। और 16 अप्रैल 2022 को मुख्यमंत्री द्वारा एक और घोषणा किया गया जिसमें नया जिला बनाया गया, तो टोटल 33 जिले वर्तमान में हो चुके हैं। हम जब 33 जिले के टॉपिक से बना रहे थे प्रश्न, तो एक कमेंट भी आया था कि वर्तमान में 32 जिले हैं, लेकिन आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि वर्तमान में कितने जिले हैं, 33 जिले हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और ज़्यादा व्याख्या थोड़ी ना हो रहा है, इसको आप एक बार फीडबैक जरूर दें। हम
हम इस तरह के बनाने का अर्थ है कि आप एक क्वेश्चन का टेस्ट दिला रहे हैं तो आपके सारे क्वेश्चन इसमें रिवीजन हो जाएं। यहाँ पर अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर शो हो चुके हैं और ये नदी टॉपिक से है कि सिहावा पहाड़ी में किस नदी का उद्गम स्थल है। सबसे पहले ये भी आप जान लें कि सिहावा पहाड़ी किस जिला में है, तो किस जिला में है ये, धमतरी। जहाँ से किस नदी का उद्गम होता है, छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी या छत्तीसगढ़ की गंगा कहते हैं महानदी, इसका उद्गम हुआ है सिहावा पर्वत से। इसका सही आंसर है डी ऑप्शन। यहाँ पर मैप में आप देखेंगे तो मैप में महानदी कौन सा है, महानदी जो ये बड़ा वाला एरिया है ये है महानदी, जो कि छत्तीसगढ़ में बहती है 281 किलोमीटर और कुल बहता है 851 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदी है ये सिहावा पहाड़ी, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, थोड़ा सा और जूम करें ताकि आपको क्लियर दिख सके। ये है सिहावा पहाड़ी जो कि यहाँ से निकलती है और जाती है यहाँ पर महानदी बंगाल की खाड़ी में उड़ीसा में जाकर मिल जाती है। यहाँ पर जो है बड़ा बांध भी है एक। इसके अलावा इस नदी पर ये धमतरी में ही आपको यहाँ पर दुधवा परियोजना दिख रहा होगा ये वाला, और यहाँ पर जो तीन डैम है ये भी है जिसमें रुद्री बैराज और मुरुमसिल्ली और गंगरेल बांध, ये तीनों बांध है धमतरी में। तो ये तो आपको पता चलेगा कि कहाँ से उद्गम होता है कौन सी नदी। इसके अलावा ये तो हमने आपको बता दिया एक नदी का, ये महानदी का। इसके बाद यहाँ पर पाना बरस की पहाड़ी से उद्गम होती है ये शिवनाथ नदी, और ये जाकर मिल जाती है यहाँ सूर्यनारायण में, जंक्शन है। और चलते हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टों को हमने देख लिए, और मैप के संबंध में आपको अगर एक्सप्लेन अच्छा लगा हो तो एक बार कमेंट जरूर किया करें कि पढ़ाने का तरीका कैसा है। यहाँ पर एक खेलो नदी नहीं है, ये केलो नदी है, मिस्टेक हो गया था। केलो नदी जो है लैलूंगा की पहाड़ी रायगढ़ से उद्गम होती है, महानदी सिहावा पर्वत धमतरी से उद्गम होती है, शिवनाथ नदी जो है पाना बरस की पहाड़ी मोहला मानपुर जो अंबागढ़ चौकी नया जिला बना है वहाँ से उद्गम होती है, परी नदी भातरीगढ़ की पहाड़ी बिंद्रानगढ़ गरियाबंद से उद्गम होती है, इंद्रावती नदी मुंगेर पर्वत कालाहांडी उड़ीसा से उद्गम होती है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए हैं। आप एक टॉपिक को पढ़ते हैं तो उस टॉपिक को पूरा रिवीजन कर लें ताकि आप अच्छे से तैयार रहें, और एग्जाम के लिए एग्जाम से पहले आप टेस्ट जरूर दिलाएं, चाहे आप ऑफलाइन टेस्ट दिलाएं या ऑनलाइन दिलाएं। ऐसा नहीं कि आप मेरा ही यूट्यूब चैनल देखें, आप सभी का देखें और टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दिलाएं। छत्तीसगढ़ के चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, ये तो एक कब करेंट अफेयर के टॉपिक से भी हो गया और आपका स्टैटिक जीके की सीरीज में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस अभी कौन है चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, तो ये है बी ऑप्शन ठाकुर राम सिंह, वर्तमान में चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। अब देख लेते हैं वित्त आयोग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को, अगर उससे प्रश्न बन जाए तो चलते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट को यहाँ पर हम देखेंगे। यहाँ पर आपको क्लीन दिख रहा होगा, क्लीन नहीं दिख रहा होगा तो आप वीडियो को 180p में जरूर देखिए, आपको वीडियो एकदम क्लीन दिखेगा। जो वित्त आयोग है उसका गठन किया गया था 28 सितंबर 2022 को, सॉरी यहाँ पर हमने गलत लिख दिया है। यहाँ पर जो वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वो है सर जी अश्विन, हमने जो राम सिंह ठाकुर बनाया ये राज्य ये जो निर्वाचन आयोग है उसका अध्यक्ष है, मिस्टेक हो गया था, ये निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष हैं। वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो सर जी अश्विन हैं, और जो निर्वाचन आयोग हैं, क्योंकि हमने निर्वाचन आयोग का यहाँ प्रश्न बनाना था, मिस्टेक हो गया था, निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष हैं राम सिंह ठाकुर, और निर्वाचन आयोग के बारे में ही हमने एक्सप्लेन यहाँ पर किया है कि राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था 28 सितंबर 2022 को, जिसके पहले अध्यक्ष बने थे 1 अक्टूबर 2022 को डॉक्टर सुशील त्रिवेदी पहले अध्यक्ष बने थे, वर्तमान में चौथे अध्यक्ष हैं यहाँ पर ठाकुर राम सिंह। सबसे पहले ये भी आप देख लें कि जो राज्य निर्वाचन चुनाव आयुक्त होते हैं छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त, उसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। अब देख लेते हैं कुछ आयोगों के प्रमुख अध्यक्ष को, ये क्योंकि इससे भी प्रश्न बन सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला ही लिखा हुआ है कि छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष है सर जी अश्विन, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष है महेंद्र छाबड़ा, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष है राम सुंदर दास, महिला आयोग का अध्यक्ष मोस्ट आईएपी क्वेश्चन है महिला आयोग के अध्यक्ष, और किरणमयी नायक जी हैं राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं थानेश्वर साहू, इसके अलावा राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष हैं गुरप्रीत बामरा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी आप याद रखेंगे।
इसके अलावा हमने विधानसभा से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी इसमें शामिल किए हैं ताकि आपका करंट अफेयर के टॉपिक भी इसमें कवर हो जाए। स्ट्रेटेजी के साथ सीरीज करने का मतलब यह है कि उसमें करंट अफेयर के टॉपिक पर भी कुछ चर्चाएँ हो जाएँ। वर्तमान में मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं नारायण चंदेल, राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके, मुख्य न्यायाधीश है बिलासपुर हाईकोर्ट के अरुण कुमार गोस्वामी। मुख्य न्यायाधीश तो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ का जो हाईकोर्ट है वो है बिलासपुर में। कई बार ये भी प्रश्न बन जाते हैं, छत्तीसगढ़ का हाईकोर्ट है बिलासपुर में। विधानसभा के अध्यक्ष हैं चरणदास महन और उपाध्यक्ष हैं मनोज मंडावी जी। तो ये विधानसभा से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को भी हमने हल कर लिए हैं। इसके बाद आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं छठवां प्रश्न। ये है छठवां प्रश्न, और छत्तीसगढ़ के रायपुर एयरपोर्ट को किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पर हमने चार नाम दिया हुआ है, तो इसमें से रायपुर एयरपोर्ट का नाम किनके नाम पर रखा गया है इसको पूछा हुआ है। तो देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। आप आंसर जानते हैं तो आप छठवें का कौन सा आंसर है वो कमेंट करेंगे। हम आंसर यहाँ पर आपको बता देते हैं। आंसर है चौथा ऑप्शन, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट। कौन सा ऑप्शन? स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रखा गया है रायपुर एयरपोर्ट का नाम, जो कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में है। और इसे माना एयरपोर्ट के नाम से नाम से पहले जाना जाता था, माना में था, ये माना में है, इसलिए माना एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता था। अब है कि जो चारों नाम दिया हुआ है ये एयरपोर्ट है कहाँ? छत्तीसगढ़ में टोटल आप देखेंगे तो 9 हवाई पट्टी है और एक राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। क्या है? राष्ट्रीय हवाई अड्डा। छत्तीसगढ़ में एक भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है, ये भी आप ध्यान में रखें। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की संख्या 0 है, जबकि राष्ट्रीय हवाई अड्डा की स्थापना 2012 में किया गया है रायपुर एयरपोर्ट का, और एक ही है। यहाँ आया हुआ है कि माँ दंतेश्वरी एयरपोर्ट कहाँ है? तो माँ दंतेश्वरी एयरपोर्ट है जगदलपुर में, बस्तर में, और माँ महामाया एयरपोर्ट है दरिमा, जो कि सरगुजा में है, अंबिकापुर कहते हैं, और जिंदल एयरपोर्ट रायगढ़, और स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट माना रायपुर में है। छत्तीसगढ़ में टोटल 9 हवाई पट्टी है, ये भी याद रखेंगे, क्योंकि इसको भी पटवारी परीक्षा में पूछा गया कि छत्तीसगढ़ में कितने हवाई पट्टी हैं, तो 9 हैं और एक राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। सातवां प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर आ चुका है और ये जनजाति से जुड़ा हुआ प्रश्न है, और ये प्रश्न है कि घोटुल परंपरा किस जनजाति से संबंधित है? तो घोटुल क्या होता है? घोटुल एक युवा गृह होता है, आदिवासियों का जो पढ़ाई करने का स्थल होता है, शिक्षण संस्थान होता है, वो होता है युवा गृह, जहाँ युवा युवतियाँ रहते हैं और शिक्षा ग्रहण करते हैं, उसे ही कहते हैं युवा गृह घोटुल। तो ये किस जनजाति की है? तो ये है मुड़िया जनजाति का, मुड़िया एंड देयर घोटुल। रचना भी लिखा है वेरियर एल्विन ने। इसको भी पूछ लिया जाता है कि वेरियर एल्विन ने कौन सी रचना लिखा है, तो वेरियर एल्विन ने मुड़िया एंड देयर घोटुल लिखा है। यहाँ पर आपको हमने कुछ युवा गृह को लेकर आ चुके हैं, क्योंकि इससे भी प्रश्न बन रहे हैं अब। तो युवा गृह जैसे कि उराव जनजाति का युवा गृह होता है घूम कुरिया, अर्थात जो उराव जनजाति समूह के युवा युवतियाँ रहते हैं, जहाँ शिक्षा ग्रहण करते हैं, उस संस्था को घूम कुरिया के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार मुड़िया में घोटुल और बिरहोर में गीतियोना, भुइया जनजाति में धसरवासा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर आ चुका है और यह प्रश्न है कि हाकी की नर्सरी के नाम से कौन सा शहर विख्यात है? हाकी की नर्सरी किस शहर को कहा जाता है, ये पूछा हुआ है, और इसका सही आंसर है आठवें प्रश्न का, हम यहाँ पर आंसर बता देते हैं। चौथा ऑप्शन राजनांदगांव। राजनांदगांव में दिग्विजय स्टेडियम भी है हाकी के लिए, देखा होगा रायपुर में भी है हाकी स्टेडियम, जो कि बलबीर सिंह स्टेडियम है वहाँ का, और यहाँ पर है जो स्टेडियम है राजनांदगांव का, वो दिग्विजय स्टेडियम है। अगर मैप में आप देखेंगे राजनांदगांव कहाँ है ये जिला, तो ये आ जाता है यहाँ पर है राजनांदगांव जिला, जो कि 1973 में बना हुआ है और 2022 में मोहला मानपुर एक नवीन जिला, जो कि 29वां जिला है, और मोहला मानपुर कितना नंबर का है? 29वां, और खैरागढ़ है 31वां, और राजनांदगांव प्राचीन है और 1973 में वो जिला बना है। ऐसे भी प्रश्न बन चुके हैं कि राजनांदगांव जिला कब जिला बना था, ऐसा प्रश्न भी एक बार पूछा गया है आपने। अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करते हैं अध्ययन, तो आपने देखा होगा हमने ही बनाया था प्रीवियस ईयर के प्रश्न में कि राजनांदगांव कब जिला बना है, और राजनांदगांव भी पहले किस जिले का हिस्सा था, ऐसे पूछ लिया जाए। जैसे कि देख सकते हैं अभी दो जिला ये अलग बना है, पहले दुर्ग 1906 में बना था, दुर्ग से अलग होकर 1973 में बना राजनांदगांव,
और राजनांदगांव मतलब किस तरह का से बस बटा हुआ था, ये दुर्ग एक जिला इस तरफ बना हुआ था, सॉरी यहाँ से यहाँ तक था दुर्ग जिला, ये दुर्ग जिला था और ये राजनांदगांव जिला था, जो कि अब 6 भाग में बढ़ चुका है। राजनांदगांव भी 2 भाग और बढ़ गया और दुर्ग भी 2012 में 2 भागों में बढ़ गया था। तो ये जो 6 जिले आ रहे हैं, अगर इसमें हम कवर्धा को भी शामिल करें तो ये 7 जिले दुर्ग संभाग में भी आते हैं। संभाग से भी प्रश्न बन सकते हैं, प्रश्न कहीं से भी बन सकता है। आप सारे टॉपिकों को इसी तरह से एक लिंक कर कर रखेंगे तो आप डाउट नहीं होंगे। अब तो हमने हॉकी की नर्सरी देखा राजनांदगांव, अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी हमने शामिल किए हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहा जाता है, तो छत्तीसगढ़ का शिमला मेन पार्ट को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का कश्मीर किसे कहा जाता है, तो चैतुरगढ़ जो कि रायगढ़ जिला में आता है, सॉरी रायगढ़ जिला में नहीं आता, चैतुरगढ़ कोरबा जिला में आता है, और मेन पार्ट सरगुजा जिला में आता है। ऐसे भी पूछ लिया जा सकते हैं, सिंहजोड़ी मिलाने का प्रश्न आता है। और राजिम छत्तीसगढ़ का प्रयाग राजिम को कहते हैं, तो राजिम किस जिले में आता है, ऐसा बन सकता है, तो राजिम गरियाबंद जिले में आता है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ का काशी है खरौद, तो खरौद कौन जिला में आता है, तो ये जांजगीर चांपा जिला में आता है। और इसी प्रकार यहाँ पर है अगला आरंग मंदिरों की नगरी, तो आरंग रायपुर में आता है। तो सारे टॉपिकों को एक तरीके से आप लिंक कर रखेंगे और आपको रिविजन करने में भी आसानी होगी और टेस्ट दिलाने में भी आसानी आपको होगा। नवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, ये हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो आपके हिसाब से कौन सा सबसे ज़्यादा ऊंचा जलप्रपात है, इसको आप एक बार कमेंट करेंगे, फिर हम आपको आंसर बता भी रहे हैं, आप मैच करेंगे। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है तीरथगढ़ जलप्रपात, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है तीरथगढ़ जलप्रपात। और ये तीरथगढ़ जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस जिले में है, ये भी प्रश्न बन सकते हैं। तो यह है छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में, यहाँ पर आप देख सकते हैं बस्तर, यह है बस्तर जिला जो कि 1948 में बना हुआ है। ये भी प्रश्न बन सकते हैं कि बस्तर जिला कब बना, तो 1948 में बना। बस्तर जिला का मुख्यालय क्या है, तो बस्तर जिले का मुख्यालय है जगदलपुर, ये भी प्रश्न बन सकते हैं। और चलते हैं अगले प्रश्न पर, ये तो आपने देख लिया, और यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस नदी पर है, कितनी ऊंचाई है। सबसे ऊंचा जलप्रपात है तीरथगढ़ जलप्रपात, तो उसकी ऊंचाई कितनी है, ये भी यहाँ पर आपको दिखेगा। सबसे पहले चित्रकूट जलप्रपात है इंद्रावती नदी पर, इसकी ऊंचाई है 90 फीट, ठीक है। चित्रकूट जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, 90 फीट। तीरथगढ़ जलप्रपात जो कि मुनगा बहरा नदी पर है, यहाँ पर मुर्गा हो चुका है, ये मुनगा बहरा नदी पर है, मुनगा बहरा, और इसकी ऊंचाई है 300 फीट। इसकी कितनी ऊंचाई है, 300 फीट ऊंचाई है तीरथगढ़ जलप्रपात का, जो कि मुनगा बहरा नदी पर है। अगला है अमृत धारा जलप्रपात, और अमृत धारा जलप्रपात है हसदेव नदी पर कोरिया जिले में, और इसकी ऊंचाई है 80 फीट। कितना फीट, 80 फीट है। सरभंजा जलप्रपात है मान नदी पर, और यह है सरगुजा में। तो आप लोग जिला भी आपको पता चल गया होगा, सरभंजा जलप्रपात ये सरगुजा में है, सॉरी सरभंजा जलप्रपात सरगुजा, अमृत धारा कोरिया, और ये दोनों बस्तर में हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर, सॉरी यहाँ पर हमने कांगेर घाटी से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी शामिल किया है, अगर आप कहेंगे तो एक बार संक्षिप्त तौर पर इसको भी देख लेते हैं। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बस्तर जिला में आता है और 1982 में इसकी स्थापना की गई है। यह छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है और 200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये कांगेर नदी यहाँ पर होती है, इसलिए इसे कांगेर राष्ट्रीय उद्यान नाम दिया गया है। यहाँ पर है ये सबसे ऊंचा जलप्रपात मुनगा बहरा नदी पर, इसलिए इस फैक्ट को हमने शामिल किया है। चलते हैं दसवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और ये पुरस्कार से जुड़ा हुआ प्रश्न है। पुरस्कार का प्रश्न बनते ही हैं, ये करंट अफेयर के भी प्रश्न है कि ये जो पुरस्कार है ये किनको किनको मिला है, इसको आप एक बार रिवीजन जरूर करके जाएं परीक्षा से पहले। इसमें से कौन गलत है ये हमें बताना है, 4 ऑप्शन दिया, इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है। तो शहीद वीरनारायण सिंह सम्मान जो दिया जाता है आदिवासी उत्थान के लिए दिया जाता है, ये सही है। शहीद वीरनारायण सिंह सम्मान आदिवासी उत्थान के लिए दिया जाता है, ये सही है। दूसरा है गुरु घासीदास सम्मान दलित उत्थान के लिए जाता है, ये भी सही है। गुंडाधुर सम्मान खेल क्षेत्र के लिए दिया जाता है, ये भी सही है। लेकिन चक्रधर सम्मान लोक कला के लिए दिया जाता है, ये गलत है। ये दिया जाता है संगीत कला और साहित्य के लिए दिया जाता है, ये आ चुका है। शहीद वीरनारायण सिंह सही है, गुरु घासीदास सही है, गुंडाधुर भी सही है, राजा चक्रधर सम्मान कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में दिया जाता है, जबकि दाऊ मंदराजी सम्मान लोक कला के क्षेत्र में दिया जाता है। तो आपको हमने ये 10 प्रश्न बनाए,
बताएं, लेकिन ये 50 प्रश्न से कम नहीं है, क्योंकि हमने हर टॉपिक में 5 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी जोड़ा हुआ है। तो ये 50 प्रश्न से कम नहीं है। ये आगामी प्यून भर्ती और सब इंस्पेक्टर भर्ती, इसके अलावा सीजीपी अपन द्वारा जो भी एग्जाम कंडक्ट कराए जाने हैं उसके लिए आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके लिए इसके अलावा फॉरेस्ट एग्जाम के लिए भी आपको हेल्पफुल रहेगा। आप मार्क टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जय हिंद, मिलेंगे अगले वीडियो पर। आपको वीडियो कैसे लगा इसको एक बार आप फीडबैक जरूर दें।